भोजपुरी जगत के गायिका नायिका मतलब अच्छा सिंह बिहार लेवल के बहुत बढ़िया तुम गाली बजा दे। जय 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 भोजपुरी समाज। बात तो सही बात। और हमारा भोजपुरी के अगर कहल जाए की गायिका में बिहार के शेरनी होके बिहार के शेरनी हेलो दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बक्सर के संगम स्टूडियो में, जहाँ पर तूफान भैया गाना गाते हैं। तो देखिए तूफान में बैठे हुए हैं और सब यहाँ पर बैठे हुए सब लोग, उनके मित्र लोग, और यहाँ पर मीटिंग हो रहा है। और ठंडी का गाना बहुत जल्दी आने वाला है और ठंडी भी गिर रहा है। देखिए हम लोग कोट वोट पहने हुए हैं और ये तिलक नहीं गोलूराज जी, ताकि बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं बाहर छोटी छोटी, तूफान में अभी मीटिंग कर रहा है, मीटिंग में व्यस्त है। देखिए पप्पू बैठे हुए हैं स्टूडियो का मैनेजर। देखिए आपको अच्छे से दिखाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? सबसे पहले जो भी दर्शक देखा था दर्शक से हम बोलता नहीं कहत नहीं, यहाँ के हमारे राइटर साहब बनी, यहाँ के तमाम गाना ढोड़ी के ऊपर गैले बनी लिखले बनी लिखले बनी अश्लील जन सर्व अश्लील जो किताब बनेले में यहाँ के नाम बा पप्पू परदेसी हेडलाइन राइट मतलब लेखक के चला दिया बा, यही आपके लेखक हैं, यहाँ के लिखले बनी एगो गाना वही है। अब नाम ना बताई ना तो विवाद छिड़ जाए। आज ढोड़ी के अंत भी आवत है चंदन चंचल के आवाज में। अच्छा तो भाई आप ऐसे असली गाना कहाँ लिखते हैं? लोगों में खोजा तो हम क्या करेंगे भाई जी, एगो दूध के दुकान खोल दो, लेकिन जली एगो दारू के दुकान खोल दो, कौन चलती है ढेर? दारू के दुकान जली भी है भाई, वही के बात बाटे। देखो अभी साइड सॉन्ग हमने के बनाई लटे, उस साइड सॉन्ग के इतना गजल हो गया कि 20,000 पहुंचे लायक नहीं के पड़ल। तब हम गरीबी से जुड़ल और धरातल मैंने जमीनी स्तर से वीडियो बनावल गई था, और गाना के कोनो व्यूज नहीं के। अगर ये कोनो ढोनी चोली के कोनो प्रचार प्रसार 100 मिलियन एकदम अब लोग देख ला के हेल ही गुरै था हमनी के मजबूर बनी जाए। हां जैसे कि लगल है अभी प्रवचन होके चाहे कोनो बड़ संत आके कुछ सिखाओ, बगले में ऑर्केस्ट्रा होके बगले में अक्षर सिंह आई ढोक अल्लाह रस हिलावे बोलना क्या चाहते हैं, मगर कौची हिलावे कमर कमर हिलावे चाहे मेरे गाना डांस प्रोग्राम हो गए। विवाद में अक्षर सिंह के बहुत ज्यादा कुछ बोलने रहे हैं भाई जी हमारे। अब अक्षर सिंह को टारगेट करते हैं भैया, टारगेट हम ना करें भी जे जिसम करे ले कह नहीं हम अक्षर सिंह हिलावे दी काहे कमर ना हिलावे नहीं भोजपुरी भैया फसबे ऐसा ना और सीधा बोला मुझे गाना आए लगी खुश जे करे ल ओकरा के थार दे नहीं, बाकी अभी तक ताचा से थार ना मिलल तो नहीं तो किसको थार मिला। और हां और इसी मैटर में देखिए भैया का गाना है तूफान भैया का, नहीं पहले एक ऐसी कोई बात नहीं पाए गए कि कारण से क्या रिलेशन बा उस समय क्या मतलब है, लेकिन जो हमने के मार्केट में देखा तो नहीं जाए मार्केट में फोकस होता है। ये बताएं कि मतलब ऑक्सीजन सिंह के हिलावे के काहे को नहीं है वो जगह पर हमें से कोई नहीं देती। भोजपुरी जगत के गायिका नायिका मतलब अच्छा रसी हमने के बिहार लेवल के बहुत बढ़िया तुम गाली बजा दे। जय 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 भोजपुरी समाज। ये बात तो सही बा। और हमारा भोजपुरी के अगर कहल जाए कि गायिका में बिहार के शेरनी होके बिहार के शेरनी भैया अपन परिचय दीजिए कौन गाना मतलब खराब लगल कौन गाना स्टेज पर गा पूरा स्टेज गाय के रूप में बुलावते नहीं की खाली कवर हिलावे के रूप में बुलावते। चलिए भैया छोड़िए अश्लीलता छोड़िए और विवाद छोड़िए, हम ये पूछना चाहते हैं भैया आप स्टूडियो में बैठे हुए क्या चीज का मीटिंग कर रहे हैं? मीटिंग ये होता है कि कुल हमने के हाँ डायरी और लेके बैठे हुए हैं पूरा के, और आपके गीतकार साहब भी बैठे हुए हैं पप्पू परदेसी भैया, यहाँ के जोन बा हिमलेटर पर गाना आ रहा होगा। अच्छा हमने के जोन जो देखे घोड़ी का सॉन्ग और भैया तो भैया ठंडी का मौसम है तो कुछ ठंडी स्पेशल लेके आ रहे हैं मार्केट में? 28 तारीख के गाना हमने के वो लगभग लागत है कि रिलीज होके वाला बा ठंडा वाला। हां तो ठंडा वाला गाना तैयार हो गया। अच्छा बहुत सारा गाना आवत है माने
अनेकों गाना होता अब लगातार बैक टू बैक आपका गाना आएगा एकदम पूरा अगस्त तक तो, अगला अगस्त अच्छा अरे देखिए आपके मित्र बैठे हुए हैं तिलक न्यूज इनके बारे में बिल्कुल हम लोग सब लोग बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं गाइस गाइस और कहाँ बैठे हुए ये नहीं बताइएगा जेपी बाबा के स्टूडियो पे संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बक्सर समिति के धरती में आपको पता ही है और इसी के धरती में बना रहा है और भैया अपन कुछ परिचय बताइए भैया नमस्कार हम विवेक उपाध्याय बनारस से चल के यहाँ पे भैया के स्टूडियो में आए अच्छा अच्छा कुछ सीखने को कुछ गाने का मौका मिल रहा है नहीं जेपी भैया का नाम है बरांडा बक्सर में और पैसा लगेगा जेपी भैया के रोज सब के काम और बहुत बहुत अच्छा लगे मन के मानसिकता बा और जो गाय के प्रति जो प्रेम बा वो कैसा लगे भैया हम बनारस से चल के बनारस में स्टूडियो ना रहा का है ना एग्जाम है बहुत बढ़िया स्टूडियो छोड़ के बक्सर में तो कुछ क्वालिटी भी तभी तो और बता दिए को बात की जेपी तिवारी जी का नाम हटे छोट मोट नाम ना हो नमे बरांडा के बहुत वो स्तंभ पर जाओ तो नाम हो म्यूजिक डायरेक्टर जेपी तिवारी और वो पोस्ट बड़ अगर देखा जाओ तो बचपन से जब हमनी के मतलब गीत संगीत से उतना प्रेम ना रहे तो ना घर हमनी के भैया के गाना सुनत रही जा मार्केट में बहुत सारा भैया के गाना हिट बा दिया लगे पिया दिया लगे तो खून दे दी बहुत सारा गाना बा शायद सुन सजना नहीं है वो सब टीम के आटो में फोटो लगवलो सब टीम से मारो धक रो तो ये ना बा मारो धक रो तो देखो भैया के भी ज्यादा गाना याद आ रही और बहुत सुन ले ये प्रेम बा और भैया का हम तो कहन कि जितना स्टूडियो भोजपुरी में होकस और कलाकार खातिर अगर कहल जाए अगर तो मान ले कि दोसर के ऊपर दूसरा तरीका से सोचे लेकिन कलाकार खातिर अगर कहल जाए तो जेपी भैया से बड़ महान एगो सपोर्ट करे वाला एगो गार्जियन के रूप में तो भैया अभी आज आपका एक गाना रिलीज हुआ है और गाना रिलीज भाई बा गाना के ठीक ठाक यूज भी कहल जाए अच्छा मार्केट में चला था और गाना के बारे में बहुत सारा बातचीत कही जाए तो भैया एक लाइन थोड़ा गानावा हो जाए गानावा अभी हमनी के मत कहिए अभी मस्ती के टाइम बा पागले बना दी पागले बना दी ओ मजा तो हम तो ऐसा न्यूज है ना बाड़ल पैसा का गाना गावा तो हम के आसन से फिर भाई वो गाना बका दी है तिलक न्यूज वाले हम भैया न्यूज वाले नहीं है भैया कुछ भैया से बात कीजिए बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग मस्ती कर हम कुछ नहीं कहे देखिए गोलू भाई अपना बाल कटवा रही है छोटा देखिए इनकी बकरी मर गई थी नहीं भैया तो चलिए हम लोग वीडियो भाई के को बात बता देता नहीं कि हमारा लगा था कि अपना गायकी के शुरुआत में जा सकते हैं तो अभी इंटरव्यू लेते हैं उनका पहले बनी बता दें हम कि बड़ा एक भावुक तरीके से हमारे भाई को कर लगे भाई इतना हमारा छोट कलाकार के इतना सपोर्ट कर बड़ा हमारा जीवन में बहुत अहम भूमिका निकल बैठे अरे कोई नहीं और आजीवन हम कहम हमारा तरीका से तो देखा जाए तो हम कोनो कलाकार से कोनो राइटर से कोनो न्यूज वाले भाई से इतना मतलब एगो प्रेम के जरिए हम इतना अच्छा व्यवहार करे कि हमारे से लगे लगे क्यों हाँ एकदम भैया एकदम तो हम आजीवन भाई के गुलाम बने कैसे कि भाई हमारे खातिर बहुत तो चलिए भैया हम लोग वीडियो को यहीं बैंड करते जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे अपने जाते जाते ये कहो कि कुंदन ब्लॉग्स में रोज सब हमने के देखा था स्वागत पर रोज सब जे भी जुड़ो था आज भी आगे भी देखी के चैनल वाला के तनी नीचे वा जाए सब्सक्राइब करो लाइक करो आ कमेंट करो बताएं कि फिर ऐसा वीडियो आवे के चाहिए कि ना तो भैया आपका शूटिंग कब होने वाला है बहुत जल्दी शूटिंग तो रोज बाटे काले से देही पो 18 तारीख तक ले मॉडले तो चलिए दोस्तों आप सभी को बहुत जल्दी तूफान भैया शूटिंग दिखाने वाले हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे करते हैं और मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ।